भाई छोले कुलचों को दिल्ली वालों की जान क्यों कही जाती है वो आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसी ही एक प्रसिद्ध दुकान पर आज तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर आया, गणेश छोले कुलचे वाले पर। तो भाई आप देख सकते हो, सबसे पहले भाई आपको आते ही ना इस दुकान पर दर्शन होंगे इस तवे के, और इस तवे पे आप देख सकते हो सबसे पहले डले हुए आलू। मैंने आपको मोस्ट स्पाइसी छोले कुलचे भी दिखा दिए हैं आगरा के, मैंने आपको केले वाले छोले कुलचे भी दिखा दिए हैं, और आज बारी है आलू वाले छोले कुलचे दिखाने की। दिल्ली के अंदर कुछ अलग तरीके से छोले कुलचे बेचे जाते हैं हर एरिया वाइज। अगर आप करोल बाग और गफार मार्केट की तरफ आओगे तो भाई आपको ना ये आलू वाले छोले कुलचे मिलेंगे। तो भाई आप देख सकते हो सबसे पहले जब आप इस दुकान पर आओगे ना भाई आपको इस तवे के दर्शन होंगे। इस तवे पे बहुत सारे भैया ने आलू डाले। तो भैया ये आलू का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला रहा है, काफी टाइम चल रहा है भाई। इधर तो है भैया का बड़ा सा तवा, और भाई उधर देखोगे आप तो भैया ने बड़े से भगोने के अंदर छोले बनाकर रख रखे हैं। थोड़े थोड़े छोले बनते रहते हैं और उसके बाद लोगों को ये परोस दिए जाते हैं। अच्छा भैया, मैंने अक्सर देखा दुकानों पे क्या होता है, कुलचों को अलग से सेका जाता है मक्खन के अंदर घी के अंदर, मगर यहाँ पे आलू के ऊपर ही, ऐसा क्यों है? अच्छा भाई, आलू फ्राई होते रहते हैं और भाई लगातार लॉट ऐसे आलू का लगता रहता है, और इसके ऊपर भैया ना कुलचे डालते हैं और कुलचे इसके ऊपर ही सिक जाते हैं भाई। इसी तरीके से ये क्या क्या डाला है आपने, वो है वनस्पति, मक्खन तो नहीं है भैया, कह रहे मक्खन ये डाला भैया, वनस्पति डाला भाई। अब रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना माल इनका बिकता होगा भाई। लगातार भैया कॉन्टिन्यूसली लगे पड़े हैं छोले कुलचे पैक करने में। भैया कितने बजे लगाते हो दुकान? 9 बजे लगाना शुरू कर देते, और कब तक? शाम को 9 से 9:30 तक, शाम को 9:30 तक आपको भाई छोले कुलचे मिलने वाले हैं। और ये देखो पैक हो चुके हैं यहाँ पे हमारे छोले कुलचे, कुछ इस तरीके से डब्बे में देते हैं। भैया कह रहे हैं भाई पहले पैक करने दे, नहीं तो लेट हो जाएगी डिलीवरी मेरी आ जाए जोमेटो की। ये देखो भाई ये गए घर पे। सर मेरे को एक बात बताओ, ये कैसा स्वाद बेच रहे हो, मतलब इतना जमावड़ा लोगों का, मेरे को लग रहा है करोल बाग में जो जाम लगता है ना वो आपकी दुकान के चक्कर में लगता है। ऐसा है जाम वाली बात नहीं है, जाम ये है कि हमारा जो कुलचा सबसे पुराने हमने पहले स्टार्ट करे थे। अच्छा, कितने साल हो गए? मेरे को 1981 से कर रहा हूँ। क्या बात है, तो भाई ये स्वाद तो होगा क्योंकि भाई जो जमावड़ा लोगों को लगा पड़ा जिस तरीके से भीड़ है, ये टेस्ट का बेसिकल टेस्ट है। जो टेस्ट आता है इन्हें बना नहीं पाएंगे, दोबारा पैदा होंगे तो बनाने अलग बात है, वैसे नहीं बना पाएंगे ये। क्या बात है भाई, बेस्ट कुलचा है, सबसे बढ़िया कुलचा है, छोटा भी नहीं है, बड़े कुछ स्टैंडर्ड कुलचे हमारे और सबसे हट गए हैं। अच्छा मैंने एक बात देखी, मैं अगर कहीं और एरिया में जाता तो वहाँ पे क्या होता है कुलचों को अलग से तवे पे सेका जाता है मक्खन के अंदर उसके अंदर, मगर यहाँ भाप में सेक रहे हैं। मक्खन लगाएंगे कुलचे के अंदर तो फिर भटूरा नहीं खा लेंगे, ग्राहक भटूरा खा लेंगे। अच्छा क्या बात है, मक्खन सक्खन कुछ नहीं होता है, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, आधा घी डालते हैं, दिखाते हैं खाली मक्खन है हमारे पास। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे भाई कुछ भाई लोग खा रहे हैं हमारे, तो भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया भैया, आप बताओ? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और मेरे को लग रहा है कि छोले कुलचे बहुत बढ़िया है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया है, आलू वगैरह भी क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब कब से खा रहे हो आप? मैं आज ही आया हूँ पहली बार, आज ही आके इतना बढ़िया टेस्ट लगा कि मैंने भी वही देखा कि मतलब मैंने भी रील वगैरह देखी थी एक आधी, तो मैंने कहा कि अच्छा वो तो छोड़ो, ये बताओ छोले कुलचे कैसे? अभी तो लिए खाने, तो पहले पहली बार आए हो या खाते रहते हो? पहली बार ही आए हो हैं? क्या बात है भाई, भाई पहली बार ही आए और भाई को टेस्ट पहले से बढ़िया लगता है, क्या बात है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना लोग आते रहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। करोल बाग आता तो पक्का यहाँ छोले कुलचे खा के जाता हूँ, गणेश जी के छोले कुलचे पक्का अल्टीमेट। मैं कह ही रहा हूँ, मैं कहा भाई ये जो जाम लग रहा है ना इनकी दुकान के चक्कर में लग रहा है, दुकान क्या आगे जा, यही जाम है, क्या खाने वालों का जाम है, बहुत ही बढ़िया भाई। तो अगर कभी भी करोल बाग का चक्कर लग रहा है तो यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो, आप लगाते अपनी प्लेट। तो फाइनली अब हमारे बनने जा रहे हैं भाई छोले, जो कुलचों के साथ यहाँ पे खाए जाते हैं। छोले बोलूंगा नहीं मैं इसको क्योंकि ये है मटरा, और भाई ऐसे ही ना गर्मा गर्म मटरा परोसे जाते हैं इस दुकान पर। देखिए सबसे पहले भाई भगैया ने छोटे से भगोने में डाले हैं बहुत सारे मटरा, और भाई फिर ये पीली मिर्च डाले ना भैया, पीली मिर्च डाले, चाट मसाला, और भाई ये नमक, काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स करके, बहुत ही खूब भाई। और ये जाएगी इनकी चटनी, चटनी दमदार है तभी छोले दमदार इनके बनते हैं। धनिया पुदीने की चटनी होगी, धनिया पुदीना अदरक मिर्ची सब होती है, और इस तरीके से भाई ये छोले बना बना के रखते रहते हैं, और जैसे ही ऑर्डर आते हैं लोगों के ये पैक कर कर उसको भेजते रहते हैं। भाई अब हमारी प्लेट लगने जा रही है, आप देख सकते हो सबसे पहले छोले डले, और क्या क्या डलेगा, प्याज और टमाटर, गाजर का अचार और मिर्ची। भैया गाजर का अचार डालना है यार, गाजर का थोड़े ज़्यादा दीवाने हम। और जाएंगे भाई अब इसकी जान जो है आलू, कुरकुरे आलू बिल्कुल। तो भाई फाइनली हमारी लग चुकी है छोले कुलचे की प्लेट, और अगर मैं रेटों की बात करूँ तो 90 रुपये इसका प्राइस है, सूजी और मिक्स भाई दोनों मैदा। और प्लेट आप देखोगे तो बड़ी खूबसूरत प्लेट है, छोले डाले हैं, टमाटर डाला है, सैलेड डाला है, और भाई ये डाले ये आलू, ये है असली जान जो इस दुकान पर आपको मिलेगी। तवे के ऊपर इस आलू को अच्छे से सेका जाता है, और ये जो कुलचे है ना भाई इन कुलचों के ऊपर कोई मक्खन या घी नहीं लगाया गया है, इन कुलचों को भी इस आलू की भाप के ऊपर से सेका गया। और भाई मैंने एक बात देखी, यहाँ पे आपको रायता भी देते हो, एक रायता भी देते हो यार,
अच्छा रायता का नाम लिया, रायता हाजिर है, बहुत ही बढ़िया भाई। रायता भैया बता रहे थे जो रायता है वो इनकी दुकान पे नहीं है, रायता साइड वाली दुकान से आता है स्पेशली। भाई ये नींबू और नींबू को अच्छे से डालेंगे, क्या बात है भाई। भाई चटपटे छोले हैं, तीखे से ना खाते मुंह में जुबान में स्पाइसीनेस फील हुई है। पहले मेरे को डाउट था कि ये कुलचे सिक पाएंगे या नहीं पाएंगे, मगर भाई इसको टेस्ट करने में ऐसा लग रहा है कि आलू की भाप के अंदर ना प्रॉपर ये सिके हुए हैं। तो भाई मैं अपनी ये छोले कुलचे की बाइट को एंजॉय कर दो, तब तक आप लोग एक काम करो कि शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ तुम शाम होते हैं ना कुछ चटपटा या कुछ तीखा खाने के लिए निकल जाते हो। मैं मिलता हूँ आपसे दिल्ली की या फिर किसी शहर की लगती वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।